अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आसियाज किचन। आज हम बनाएंगे आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की चाट बनाने के लिए मैंने 3 बड़े साइज के आलू लिया है। बॉईल किए हुए आलू में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, थोड़ी सी कोथमीर, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। आलू को सारे मसालों के साथ अच्छे से मैश कर लेंगे। चलिए आलू की टिक्की बना लेते हैं। अभी हम थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेंगे हाथों में। प्रेस करेंगे। टिक्की का शेप देंगे। इस तरह से सारी बना लेंगे हम। आलू की टिक्की को फ्राई करेंगे। एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल लिया है। टिक्की डालेंगे। दोनों साइड्स पे अच्छा गोल्डन कलर आने तक के फ्राई करेंगे। आलू टिक्की चाट की असेंबलिंग करेंगे। प्लेट में सबसे पहले हम टिक्की रखेंगे। 1 कप दही है जिसको मैंने 1 टीस्पून शुगर के साथ अच्छे से फेंट लिया है। दही डालेंगे। मीठी चटनी या इमली की चटनी डालेंगे। तीखी चटनी या हरी चटनी डालेंगे। थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ा सा आलू भुजिया डालेंगे। आलू भुजिया की जगह पे आप बारीक सेव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से अनार के दाने। तैयार है आलू टिक्की चाट। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।